अमेरिकी बाजार में मंदी के आशंका के बीच सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि 5 अगस्त को सेंसेक्स में 1400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह 80,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 500 अंकों की गिरावट के साथ 24,200 के स्तर पर आ गया। आपको बता दें कि कारोबार में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 4% टूटा, जबकि पीएसयू बैंक, मेटल, ऑटो इंडेक्स, आईटी भी करीब 3% नीचे हैं। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स की बात हो तो इसमें टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील और मारुति शामिल हैं। यह 3% नीचे हैं। इन 5 कारणों से खुलते ही धड़ाम हो गया बाजार। एक, अमेरिकी बाजार में मंदी की आशंका के चलते धड़ाम हुआ बाजार। अमेरिका में मंदी की आशंका की वजह से भी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कारोबारी दिन भी अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिला। आज भी दुनिया के कई मार्केट ध्वस्त हो गए हैं। 2, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग की आशंका की वजह से ग्लोबल मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा है। सोमवार को हुई गिरावट का एक कारण यह तनाव भी है। 3, वॉरेन बफे की कंपनी ने बेचे एप्पल की हिस्सेदारी। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने एप्पल में अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी। वह कैश बढ़ाने पर फोकस कर रहे और अन्य बड़े निवेशक भी सेलिंग कर रहे। 4, अमेरिका में मंदी की आशंका के बीच बड़ी बेरोजगारों की संख्या। बाजार पर पड़ रहा सीधा असर अमेरिका में मंदी की आशंका के बीच तमाम लोगों की नौकरी गई है। इसका सीधा असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। 5, डॉलर इंडेक्स में गिरावट। मेटल बेस भी हुआ कमजोर। डॉलर इंडेक्स फिसल कर करीब 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। यह 103 के पास चल रहा है। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड एक साल में पहली बार 3.8% से भी नीचे आ गया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में बेस मेटल्स कमजोर होने से एल्यूमिनियम का भाव 1.5% तक गिरा है, जिससे मेटल शेयरों में गिरावट आई है।